अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैंने मेकअप जो करना है अपने स्टूडियो में वो वलीमा के मेकअप के लिए पार्टी मेकअप करना है। और अभी मैं क्लाइंट का वेट कर रही हूँ, 4 पूरे बज चुके हैं। तो मैं आज का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बड़े ज़रा सुकून में हूँ क्योंकि मैंने बच्चों को तैयार शेयर करके उनके बाबा के साथ भेज दिया। और मैंने कहा चलें व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं जब तक क्लाइंट नहीं आते मेरी। उई क्या गिरा, बच्चे नहीं करो, चलो बानी अपन सामने जाके खड़े हो। बांस नानी तो देखो, अफान 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 और बांस नानी जा रहे हैं, इनको तैयार कर दिया मैंने, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो गाइस, कल जो मैंने उनको मेकअप किया था ना, एक्चुअली मैं उनकी पिक शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने ज़्यादा DMs हैं आप लोगों के, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे काम को पसंद करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। तो आज भी जो है मैं शेयर तो नहीं कर पाऊँगी पूरी की पूरी पिक, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और जो मैंने अभी एक आई मेकअप अपलोड किया ना, उसको मैं ऊपर यहाँ पे लगा दूँगी पिक। कोई मतलब आप लोगों ने उस पर मुझे प्यार दिया और इतना अच्छा लग रहा है। और मैंने ना अपने मेकअप चैनल के लिए भी एक लुक क्रिएट करनी थी, तो अभी आज तो टाइम नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रात में, नहीं तो सुबह में ज़रूर क्रिएट करूँ ना, ठीक है। कोई मैंने बहुत अच्छी से सोची है, बड़ी प्यारी सी न्यूड में ब्राइडल मेकअप मैंने सोचा हुआ है, तो मैं वो करके ना आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास ओके गाइस, मेकअप हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन हमारे पास टाइम काफ़ी कम रह गया था, तो मैं सिर्फ ड्रेस की ही पिक ले सकी हूँ। फेस का मैंने कोई जो पिक्स ली है उसका मैं वो भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि फिर थोड़े से हेयर्स आ जाते हैं कुछ भी, तो पर्दे की वजह से। ओके गाइस, तो अभी मैं क्लाइंट से फारिग हुई हूँ, वो रेडी होकर गई हैं, और मुझे साथ ही एक PR पैकेज आया है, ये खाने का बहुत ही ज़बरदस्त, बेक अवे की तरफ से, ठीक है, 310 बेक अवे। मैं इनके इंस्टाग्राम का पेज भी नीचे मेंशन कर दूंगी। ये चिकन ब्रेड है, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पे शामी कबाब हैं जी जान, और लो ये देखें कहाँ फंस गया, चेक करें बस, चेक करें आप। यार ये नज़दीक वाली शर्ट्स पता नहीं क्यों नहीं पहनता, बार बार खोल देता। और ये जो मेरा एक कप केक है, राइडर की मिस्टेक है या मेरे पकड़ने में मिस्टेक है, मेरा एक कप केक जो है शहीद हो गया है, और मेरे से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। मैं जल्दी से इनको ट्राई करती हूँ और इनका टेस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइस, तो सबसे पहले चिकन ब्रेड की फिलिंग बहुत ही यमी, क्रीमी और टेस्टी हुई है। सबसे पहले मैंने इसको ट्राई किया है गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, आई जस्ट लव द फिलिंग, बहुत टेस्टी, आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। और अफान अभी मैं ट्राई करने लगी इनका ये शामी कबाब, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े के। एक होते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जो मेरे से अक्सर हो जाते हैं, इसलिए मैं बनाना छोड़ दिया हुआ। बहुत यम्मी है, 10/10, दोनों का 10/10 है। अभी इसकी बारी है, अब मैं इसको ट्राई करके आपको बताती हूँ। बेबी ये मेरे साथ ट्राई करोगे आप? बेबी बहुत मज़े का, आँख ना आपने पकड़ना नहीं प्लीज़, आप बेबी की हालत बहुत ख़राब हो गया। 10/10 मीठा एकदम परफेक्ट है, सॉफ्टनेस एकदम परफेक्ट है। और ये देख लें आप इनकी खूबसूरती, यहाँ पे देखिए मेरा बच्चा ये भी ख़राब करी जा रहा है। ज़रूर विज़िट कीजिएगा आप इनके पेज को, और आप इनका जो होम मेड है बिल्कुल खाने, बहुत फ्रेश और यमी है, एक दफ़ा तो मेरे कहने पे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। ओके हो गया गाइस, तो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे अभी अनबॉक्स किया, लाइक इसको टेस्ट करके सारों का मैंने वहाँ पे पेज मेंशन किया है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। मैं इनका पेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे जो है ना बेक अवे 310, टोटली होममेड है और बहुत ज़्यादा फ्रेश है। लाइक ये जो है ना इसकी फिलिंग, जो कि मैं खा भी चुकी हूँ यहाँ से, इसकी फिलिंग इतनी टेस्टी है ना, मैंने बहुत बहुत सारी चिकन ब्रेड्स खाई हैं, मार्केट में हम लोग खाते ही रहते हैं तरह तरह की, लेकिन बहुत फ्रेश और क्रीमी सी है, चिकन भी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में है और बहुत टेस्टी है। मैं टेस्ट कर लूँ, बहुत जमी। नेक्स्ट जो ये है ना शामी कबाब, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट है, और ये भी मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ज़रूर देखने, ठीक है। इतना मेरा एक ख़राब हो गया, मैंने फिर वो ही टेस्ट कर लिया, एकदम परफेक्ट इसका है, मीठानेस सॉफ्टनेस तीनों चीज़ें मेरी तरफ से 10/10 है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे कहने पर एक दफ़ा इनका पेज ज़रूर ट्राई कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज फान ओके गाइस, मॉर्निंग में मैं ना ये ब्रेड मसाला बना रही हूँ, लाइट नहीं आ रही हम लोगों की आज सुबह से, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट टाइम जब लाइट आएगी ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसा बना है, ये कितना मज़े का और यमी लग रहा है, ऐसे ही देखने में इसको डिश आउट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके गाइस, मैंने तो टेस्ट कर लिया और इतने मज़े कमाने, इसको बंद करेंगे प्लीज़।
इतना टेस्टी और मज़े का, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाइट आ जाए, बस कल ही बना के आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी। मैंने इतना चखे, बिस्मिल्लाह करें, ये नांगू शाको पीछे करें, मेरी लाइट नहीं आ रही। हाँ पकड़ लो, आके खुद ही पकड़ लो। अच्छा अच्छा गुस्सा नहीं करें, हनेरा आ रहा है मुंह पे बहुत ज्यादा ही। बहुत टेस्टी बना यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना टेस्टी और एक नई डिश है, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी आप लोग इस पे गुजारा कर लो, अंधेरा था किचन में, नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर लेती। बहुत ईजी वे में है, इतना ईजी वे में मन ही अच्छा लगा मुझे, सीरियस बताएं। एक मज़े का टेस्ट लग रहा है, मुँह से बोले आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुँह हिलाई जा रही है। किचन आवाज जाना जरूरी है, मैं आवाज़ ही जाएगी, मैं इस पे है सिर्फ खाना है। तुम्हें तो बहुत अच्छा है, कसम से ये बंदा मेरा बहुत दिल तोड़ता है, इसके आगे मैं सोना भी बना के रख दूंगी ना, ये बंदा आगे से बोलेगा नहीं, मैं मुंह हिलाई जाएंगे। हिला के दिखाना जरा मुंह, रोटी रोटी है ये, रोटी नहीं है। ओके गाइस, सफाइयाँ थोड़ी बहुत हो गई हैं, एक्चुअली लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन आज हवा चल रही है, हवा प्यारी चल रही है। और मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ, नुमान जो है बड़े बेटे को लेने गए हैं, क्योंकि ओ ओ ओ ओ यार ये एक तो ये नांगोशा है, ओ इशू गोलो में मेरे बेटे ने सारा कुछ उतारा है, मैं उसको दिखा नहीं सकती क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। जानी ये ले लो, ये मैं अपने बेटे को लेकर बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, और जानी मेरे से खाओ ना। बिस्मिल्लाह गोलो नहीं है, ठंडा ठंडा हो गया माशाल्लाह। नहीं चलो जी नहीं। ओके गाइज, आज का ब्लॉग को इतना ख़ास मैं बना नहीं सकी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे एक्चुअली यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करनी है, और अभी मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, इतनी गर्मी लग रही है, और मैं ये लुकमा देके बच्चों का वेट कर रही हूँ। बाय गाइज। अच्छा गाइज मुझे बताइए, ये मुझे ना क्लिप मिला है स्नैक वीडियो पे, कितना ज़बरदस्त और क्रिएटिव मेकअप है, लेकिन आईब्रोज को भी इस तरह से बनाना है, और मेकअप तो बहुत बहुत प्यारा हुआ है। जानिए एक मिनट चुप करें, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं ये ट्राई करूँ, क्या मैं ऐसे लुक क्रिएट करूँ, पता नहीं इतना स्मूथ और नीट मेरे से बन पाएगा या नहीं। और इसके अलावा आजकल मुझे ऐसे मेकअप बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, देखो ये देखो, इसकी जो ब्राउ बोन है उस पर भी ग्लिटरी हाईलाइट हुआ हुआ है, और कलरफुल सा है, लेकिन काफ़ी ना क्रिएटिव है, और फिर लिप्स देखें न्यूड है। तो ये वाला आई मेकअप भी मैं ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ, आप लोगों ने मेरा मेन मेकअप चैनल जो है उसको सब्सक्राइब किया है। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कलरफुल सा ग्लिटरी आई मेकअप क्रिएट करने को, तो ये मैंने अपनी मॉडल पे किया जो काफ़ी डस्की स्किन है, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मे बी किसी को इतना अच्छा ना लगे, लेकिन हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। और जो मैंने एक्चुअली वाटर लाइन पे क्रिएटिव कलर लाइनर अप्लाई किया है, काजल आप कह सकते हैं, किस तरीके से किया है इसका मैंने मेथड भी बताया है, और अपने मेन चैनल पर शेयर किया है। आप लोगों ने ज़ैनब नुमान जो मेरा मेन चैनल है वो सब्सक्राइब कर देना, और मैंने शायद आज ही वहाँ पे ये वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड किया है। तो इस तरह से हम डिफरेंट और भी मज़ीद कलर्स के जो हैं वो काजल बना सकते हैं अपने वाटर लाइन पे, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं इंशाल्लाह और भी डेली बेसिस पे आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।